हेलो एवरीवन वेलकम टू नफीसा टॉक रोज़े तो शुरू हो गए और हम हमेशा यही सोचते हैं कि क्या बनाएं तो चलिए आज मैं आपको एक ऐसा डिज़र्ट बनाती हूँ जिसे आपको भी बनाने में बहुत आसान होगा और यमी भी लगेगा उसका नाम है ओमाली ये है एक इजिप्शियन ब्रेड पुडिंग है तो झटपट आपको मैं बताती हूँ किस तरह बनाना है तो पहले हम लेते हैं 250 हंड्रेन फिफ्टी ग्राम्स मिल्क इसको अच्छी तरह बॉईल करते हैं धीमी आंच पे, और उसके बाद आ, 100 ग्राम्स ऑफ शुगर लेते हैं अगर आपको ज़्यादा चाहिए तो आप ज़्यादा भी ले सकते हैं तो मैंने आ, 100 ग्राम्स लिया है 100 ग्राम्स शुगर डाली हूँ और इसमें आप देख सकते हैं किस तरह मैंने मिक्स कर रही हूँ तो जब आ, मिल्क को अच्छी तरह बॉईल होता है तब उसे बहुत अच्छी तरह मिक्स करना है ताकि ये जो आ, आ, मिल्क है उसको थोड़ा थिकन होना है अब आप देखिए इसके अंदर क्या क्या ड्राई फ्रूट्स ऐड करना चाहिए मैं ली हूँ पिस्ता कटे हुए आप देख सकते हैं स्लाइसड और स्लाइसड आलमंड्स बादाम ये भी बहुत अच्छे लग रहे हैं देखने में और इसके साथ आप देख रहे हैं किशमिश और चाहे तो और भी आप ऐड कर सकते हैं लेकिन मैं बस इतना सा ली हूँ कैशोनट भी ऐड कर सकते हैं तो और एक ख़ास बात आपको बताना चाहती हूँ ये है आंध्रा से मेरे सिस्टर इन लॉ लाई है इसका नाम है तेलुगु में लिखा हुआ है बासुंती ये काफ़ी टेस्टी होता है इसको नॉर्थ में कहते हैं रबड़ी रबड़ी की तरह होता है तो मैं इसमें एक दो तीन बॉक्सेस इसमें रबड़ी ऐड कर दी हूँ यानी कि बासुती जब आ, मिल्क बॉयल होते हुए थिक होता है तो उसमें मैं थोड़ा सा क्रीम ऐड कर रही हूँ और इसके अंदर क्रीम के साथ मैंने ऐड किया है आ, मिल्क मिल्क मेड मैंने ऐड किया है तो दोनों को अच्छी तरह मिक्स कर कर जब आ, मिल्क बॉयल हो रहा है तो मैं उसमें ऐड कर रही हूँ तो ये जो आ, जो लिक्विड में बना रही हूँ इसको काफ़ी थिक होना चाहिए त, तभी इसका जो जायका होता है ना डिलीशियस होता है और काफ़ी इसका जो मिक्सचर होता है बहुत ही यमी होता है जब हम खाते हैं तो तो ये उमाली जब परफेक्ट बनना है तो इसी तरह इसको इसकी कंसिस्टेंसी इतनी ही थिकनेस होना चाहिए तो आप देख सकते हैं कि मैं धीमी आंच पर इसे पका रही हूँ साथ में ये जो मैंने कहा था बासुंती रबड़ी तो ये वाले बॉक्सेस मैंने इसमें एक एक कर कर ऐड कर रही हूँ तो जाहिर है आपको पता चल जाएगा कि जब ये खाएंगे तो कितना ज़्यादा टेस्टी होगा एक्चुअली ये जो इजिप्शियन डेजर्ट है इसको मैंने थोड़ा इंडियन तरीके से बना रही हूँ ताकि सबको पता चले बनाने में कितना आसान है तो इसके बाद मैंने फिर से उसको स्टीरिंग कर रही हूँ तो जब तक कि इसकी कंसिस्टेंसी आपको थोड़ी इतनी मॉडरेट होना चाहिए ज़्यादा थिक भी नहीं ज़्यादा लिक्विड के टाइप में भी नहीं तो इसके बाद मैंने ऐड कर रही हूँ इसमें कार्डमम पाउडर इससे बहुत अच्छी खुशबू आती है और स्वीट का एक टेस्ट आता है और ये ले रही हूँ ख़ास बात उमाली में ये है एक हरी बिस्किट्स कहते हैं ये कहीं भी आपको बेकरी में मिल जाएगा तो इसको बेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी ये बेक्ड है तो इसमें मैंने 250 हंड्रेड खारे बिस्किट्स ली हूँ इसका बहुत यमी टेस्ट आता है तो आप इसमें ऐड कर सकते हैं तो मैंने पहले एक बॉल ली हूँ जिसमें ये सारे ऐड कर रही हूँ तो इसको थोड़ा सा हल्का सा तोड़ ले रही हूँ ताकि वो जो भी मैं मिक्सर इसमें ऐड कर रही हूँ अच्छी तरह मिक्स हो जाए अब देख सकते हैं आप इसमें मैं किस तरह ऐड कर रही हूँ इसको ज़्यादा ठंडा होने ना दे तो ये मिल्क इसी तरह आपको ऐड करना है ताकि ये जो जो मिल्क जो ऐड कर रहे हैं इसको धीमी आंच पे पकाने के बाद ही ऐड करना है और थोड़ी देर बाद आप देख सकते हैं कि ये किस तरह थिक हो जाता है दस मिनट ऐसे ही रखिए फिर बाद में देख लेना है कि जो भी ड्राई फ्रूट्स हैं इस तरह ऐड कर देना है एक एक कर कर उसके ऊपर ये जो रेसिपी है इसको मैं थोड़ा सा इंडियनाइज कर रही हूँ तो आप इसका टेक्सचर देख सकते हैं जब हम खाने लगेंगे तो क्रिस्पी भी रहेगा और सॉफ्ट भी रहेगा आई होप गज आपको ये रेसिपी अच्छा लगा होगा अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ डू कमेंट लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल थैंक यू वन एंड ऑल